अगर आप भी अपनी नॉर्मल सेल्फी को या किसी भी फोटो को प्रोफेशनल फोटो में कन्वर्ट करना चाहते हैं या फिर एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए अपनी फोटो को चेंज करना चाहते हैं तो इस वीडियो के साथ जुड़े रहे। बहुत सारी ऐसी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल्स है, रील्स है, शॉर्ट्स है जहां पे अपनी फोटो को चेंज करके लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं। अगर आप अपनी फोटो को चेंज नहीं करना चाहते तो एआई के थ्रू किसी भी गर्ल की फोटो को क्रिएट करें और उसके अंदर आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम में आपको बहुत सारे ऐसे चैनल्स भी मिल जाएंगे। नहीं तो फ्रेंड्स, अगर आपको पासपोर्ट साइज की जरूरत है, मतलब पासपोर्ट फोटो की जरूरत है, तो भी आप अपनी फोटो को इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपने टेक्नोविधान चैनल में जाना है और सर्च में लिखना है टेलीग्राम बॉट। आपको ये दो वीडियो मिलेंगे, दोनों वीडियो देखेंगे तो फ्रेंड्स आपको टेलीग्राम के बहुत अच्छे बॉट्स मिलेंगे जिससे आप अपनी फोटो को पासपोर्ट साइज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और सिर्फ आपने मार्केट में जाके प्रिंट आउट निकालना है। ये सब कैसे होगा अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, पर उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और इस बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के ऊपर जरूर क्लिक करें। मैं हूं वेदांत और वेलकम है आपका टेक्नोविधान चैनल में। डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे डायरेक्ट आप इस पेज में आ जाएंगे। यहाँ पे आपको स्टार्ट का एक बटन दिख रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। रन एनीवेज के ऊपर आप क्लिक करेंगे, 5 से 10 मिनट के आसपास लगेंगे, हो सकता है थोड़ा ज्यादा भी लग सकता है और ये स्क्रिप्ट आपकी कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पर आप देखेंगे मेरी ये स्क्रिप्ट कंप्लीट हो चुकी है। पेज को मैं नीचे करूंगा तो यहाँ पे मुझे पब्लिक URL दिख रहा है, उसके बाद भी प्रोसेस चलता रहेगा और लास्ट में आपको एक और URL दिखेगा। ये दोनों बिल्कुल सेम है, किसी पे भी आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप इस पेज में आ जाएंगे। यहाँ पे अभी सिंपल सा इंटरफेस है, आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। अब यहाँ पे लिखा है इनपुट इमेज, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। पेज को थोड़ा सा नीचे करेंगे, अब यहाँ पे थर्ड ऑप्शन आपको दिख रही है, इनपेंट और आउटपेंट, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। अब आपके पास आपकी फोटो होनी चाहिए, आप वर्टिकल में ले सकते हैं, हॉरिजॉन्टल में ले सकते हैं, अपनी फोटोग्राफ्स भी ले सकते हैं या फिर एआई के थ्रू भी फोटो जनरेट करके उसको आपने यहाँ पे अपलोड करना है। मैं अपनी इस फोटो को ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पे करूंगा। अब राइट साइड में आपको एक ब्रश का आइकन दिख रहा है, बहुत छोटा सा है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ से ब्रश के साइज को आप थोड़ा बड़ा करते रहेंगे। जैसे आप साइज को बड़ा कर रहे हैं, आप देख रहे हैं बीच में ये जो सर्कल है ये भी धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। अब आपने अपने फेस को छोड़ देना है, बाकी जितना भी एरिया है आपने उसे सिलेक्ट करना है और जहां पे भी आपको ब्रश छोटा करना पड़े इसको यहां से ड्रैग करके पीछे करेंगे और बाकी का एरिया आप सिलेक्ट करेंगे। अब आपको एक प्रॉम्प्ट की जरूरत पड़ेगी, आप चैट GPT, बिंग या फिर गूगल जेमिनी का यूज कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको ये प्रॉम्प्ट दे दूंगा, बाकी आप अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से यहाँ जो भी लिखना चाहे लिख सकते हैं। मैंने अपना चैट GPT में लिखा था आई नीड अ प्रॉम्प्ट दैट विल कन्वर्ट माई फोटो इनटू सुपरमैन और एक लिखा था 3-piece suit और मुझे चैट GPT ने ये प्रॉम्प्ट निकाल के दिया। यहाँ पर आप देखेंगे 3-piece suit वाला मैंने प्रॉम्प्ट डाला था और ये सारा प्रॉम्प्ट यहाँ से लेके यहाँ तक आपने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद वापस आप इस पेज में आएंगे और यहाँ पे आपको प्रॉम्प्ट का एरिया मिल रहा है, इसके ऊपर आपने पेस्ट कर देना है। पर आपने अभी इसे जनरेट बिल्कुल भी नहीं करना, यहाँ पे थर्ड ऑप्शन आपको एडवांस्ड की मिल रही है, इसके ऊपर आप टिक करेंगे। टिक करने के बाद यहाँ से पेज को ऊपर करेंगे। अब यहाँ पे आप किस तरह की क्वालिटी चाहते हैं वो आप सिलेक्ट करेंगे। मैंने स्पीड को सिलेक्ट करा है जिससे मेरी जो इमेज है वो बहुत जल्दी जनरेट हो जाए। आप यहाँ से क्वालिटी पे भी जाना चाहें तो जा सकते हैं। अब एक्सपेक्ट रेशियो कितनी होनी चाहिए उसको आप मैनुअली यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारी आपको इसमें ऑप्शन मिलेगी, आप अपने अकॉर्डिंगली इसे सेट कर सकते हैं। कितनी नंबर ऑफ इमेजेस जनरेट होनी चाहिए, अभी यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 2 है, आप यहाँ से भी नंबर बढ़ा सकते हैं और इसको भी आप ड्रैग करके आगे पीछे कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट 2 पे थी, मैं इसको भी 4 पे सेट करूंगा। अब किस फॉर्मेट में आपको इमेज चाहिए, PNG, JPEG या WebP, उसको आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और ये सब सिलेक्ट करने के बाद आपको ऊपर 4th ऑप्शन मिल रही है एडवांस्ड, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। अब यहाँ पे लिखा है डेवलपर डिबग मोड, इसके ऊपर आपने टिक करना है। ये सिलेक्ट करने के बाद आपको कंट्रोल की एक ऑप्शन मिल रही है 2nd नंबर पे और उसके बाद आपको 4th ऑप्शन मिल रही है मिक्सिंग इमेज प्रॉम्प्ट एंड इनपेंट, इसको आपने सिलेक्ट करना है। और इस स्क्रिप्ट की बहुत पॉजिटिव बात है, इसमें आपको कोई भी क्रेडिट लिमिट नहीं मिलेगी, आप अनलिमिटेड फोटो यहाँ से मतलब AI की हेल्प से जनरेट कर सकते हैं। ये सब कुछ कंप्लीट करने के बाद आपने जनरेट के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप देखेंगे एक प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गई, फिर ऐसे लगेगा कि ये प्रोसेसिंग रुक चुकी है, पर थोड़ा सा आप इंतजार करें, फिर से ये स्टार्ट होगी और नीचे एक बार आएगा। यहाँ पर आप देखेंगे नीचे बार आ चुका है, पर वीडियो को ये देख के स्टॉप मत करना क्योंकि उसे डाउनलोड कैसे करना है और उसको आप अपस्केल कैसे करेंगे वो भी बिल्कुल फ्री में, वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। ये जो प्रॉम्प्ट था इसके अंदर सूट का कलर नहीं था, आप चाहे तो यहाँ पे कलर भी दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है स्टाइलिश 3-piece suit तो आप उससे पहले मतलब स्टाइलिश के बाद कलर मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे मेरी 4 फोटो जनरेट हो चुकी है,
अब किसी भी एक फोटो के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको नीचे और ऑप्शंस मिल जाएगी। अब इसमें से आपको जो भी फोटो अच्छी लग रही है उसको आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे राइट साइड में आपको एक छोटा सा डाउनलोड का बटन दिख रहा है, बस आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और आप देखेंगे मेरी फोटो यहाँ से डाउनलोड हो चुकी है। अब फ्री में इसे हम 400 टाइम्स अपस्केल करेंगे जिससे आपकी फोटो की क्वालिटी और इम्प्रूव हो जाएगी। अब यहाँ से आपको एक वेबसाइट ओपन करनी है जिसका नाम है imageupscaler.com। 200% पे ये सिलेक्ट होगा, आपने इसे 400% पे सिलेक्ट करना है और उसके बाद अपनी फोटो को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। यहाँ से आप स्टार्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, कुछ ही टाइम लगेगा और उसके बाद यहाँ पे डाउनलोड का बटन आएगा, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर आप देखेंगे मेरी इमेज डाउनलोड हो चुकी है। अब मैं दोनों का आपको कंपैरिजन भी दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे मैंने फर्स्ट वाली फोटो को सिलेक्ट करा और इधर से मैंने सेकंड वाली फोटो को सिलेक्ट करा। इसको भी अगर मैं साइज में इंक्रीज कर देता हूँ तो आपको यहाँ से क्वालिटी साफ समझ आ जाएगी कि कौन सी क्वालिटी आपको अच्छी दिखाई दे रही है। इस तरीके से आप AI की हेल्प से अपनी बोरिंग सेल्फी को या फिर किसी भी फोटो को आप जनरेट कर सकते हैं।